टूटे हुए सपनों को जोड़ना जरूरी, टूटे हुए सपनों को जोड़ना जरूरी, दिलों में हमारे भला कैसी है ये दूरी, दिलों में हमारे भला कैसी है ये दूरी, वो पेड़ तो हमारे पर छाव है पराई भाई। लोकसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक हैं और किसानों ने महापंचायत की बैठक बुलाई थी रामलीला मैदान दिल्ली का। वहां पर आज किसानों ने महापंचायत की, जिसमें तकरीबन देश भर से लगभग 400 से ज़्यादा संगठन शामिल हुए। अकेले पंजाब से 30 से ज़्यादा संगठन यहां पर शामिल हुए। 13 सूत्री मांगे हैं, इसमें MSP है, किसानों की जो फसलें होती हैं उसकी गारंटी को लेकर के हैं, किसानों के पेंशन को लेकर के हैं। जो पिछली बार के किसान जो आंदोलन हुआ था उसमें जो केंद्र सरकार ने वादे किए थे उसको लेके हैं। इस तरह से तकरीबन 10 से ज़्यादा 13 के आसपास जो मांगे हैं किसानों ने, उन मांगों को दोहराया है। और ख़ास तौर पर इस आंदोलन में, इस महापंचायत में जो किसान सम्मिलित हुए थे, उनका सीधे सीधे तौर पर चुनाव से पहले का ये जो महापंचायत है, ये काफ़ी हद तक चुनाव को लेकर के भी है कि चुनाव से पहले केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा कर दे। MSP चालू करना होगा, उपज को जो डेढ़ गुना दाम वो देना होगा, विद्युत बिल वापस लेना होगा, कर्ज मुक्ति करना होगा, खेतिहार मजदूर को काम देना होगा, यही है हमारा मांग। हिंदी में MSP तो कुछ फसलों पर सरकार पहले से भी दे ही रही है, लेकिन उसका कोई कानूनी गारंटी नहीं है, एक पहला बात। दूसरा बात है, सिर्फ कुछ कुछ उपज को MSP देने में हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा मांग है तुम किसानों को साथ किसी उपज खरीद करो और जनता को पास सस्ता दर में जनता को तुम बिको। इसका मतलब ये है तुम ये जो एसेंशियल कमोडिटीज है, वो जो खाद है, बीज है, ये सब भी सस्ता दर में तुम दो, और जो व्यवसायी है, कैपिटलिस्ट है, उनको तुम बाहर कर दो, उनको मत घुसने दो। लेकिन BJP सरकार तो ये नहीं कर रहा है। BJP सरकार तो अदानी अंबानी का सरकार है, वो अदानी अंबानी का सब कुछ दे दिया। सबसे बड़ी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो जथेबंदी है वो भारतीय किसान यूनियन एकता को रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा बीबियों जो लेडीज हैं उनकी गिनती है, कम से कम 15,000। आप लोगों की क्या मांग है जिसमें आपको लेकर महापंचायत करनी पड़ेगी? जो पहला जो हुआ था प्रोटेस्ट, जिसे हम एक नंबर कहते हैं, उसमें जो हमारी मांगे थी MSP के गारंटी कानून, और जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था उसका जो दोषी है उनको सजा दी जाए, और उसके अलावा जो कर्जा माफ़ी है जो किसान और मजदूरों का, उसको की बात की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें और इंक्लूड किया गया है कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब भी रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन लगती है, इसी तरह हमारी ये मांग है कि जो किसान है और उसकी बीवी है वो पूरी उम्र खेत में काम करते हैं, तो हमारी मांग है कि उनको भी सरकार को 10,000 महीना जो पेंशन है दोनों को देनी चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो आगे बढ़ी है उसको अच्छी तरह से गुजार सकें। ये बिहार से लोग पहुंचे हुए हैं, हर क्षेत्र से छोटा छोटा जत्था बनाकर पहुंचे हुए हैं यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर। और बिहार में तो खास करके हमारे यहाँ पे जमीन अधिग्रहण का जो है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कि समस्या उत्पन्न हो रहा है। और इस महापंचायत में आने का मुख्य उद्देश्य था कि संयुक्त किसान मोर्चा ने जो कॉल बुलाई थी उसमें सहभागिता लेने का मुख्य कारण था कि हम भी आपके साथ में हैं, और इस बार जो है कि हम आपका जो भी आदेश होगा उसको पालन पूरे बिहार में घूम घूम कर गांव-गांव में जाकर करेंगे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहाँ तीन टाइप के ज़मीन जो है कि तीन भागों में बांटा गया है बिहार में। एक मालिक घर मजरुआ ज़मीन है, एक जो है कि रहती ज़मीन है, और दूसरा जो है कि आम ज़मीन है। तो अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है कि भारतमाला रोड का जो है कि शिलान्यास हुआ है, और वो रोड हमारे यहाँ बिहार में जो है कि एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक, वहाँ पे जो किसानों का ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है उन ज़मीन का जो उचित मुआवजा ही नहीं दिया जा रहा है, चूँकि उनको घोषित कर दिया जा रहा है कि ये मालिक घर मजरुआ ज़मीन है। मालिक घर मजरुआ वैसे ज़मीनों को बोला जाता था, जैसे मैं ज़मींदार हूँ, मैंने ज़मीन आपको बेच दी, आपने इनको बेच दिया, अब वो
ये सरकार कह रही है कि आप साबित करो कि जो इसका ओरिजिनल मालिक था, जो मैं मालिक था, ये इनसे पूछ रही है कि आप उन मालिक को ढूंढ कर लाइए। तो अब मैं तो कब का खत्म हो गया, सबसे पहली समस्या। दूसरी समस्या हमारा मगध क्षेत्र का है, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और जो है कि पलामू, ये 3-4 जिला ऐसे हैं झारखंड का मिलाकर। वहाँ पे कुटकुट डैम का निर्माण होना था, आज लगभग आज़ादी के 75 साल बीत गए, परंतु वहाँ पे जो है कि उस कुटकुट डैम का निर्माण के लिए 2019 में माननीय प्रधानमंत्री औरंगाबाद जिला में गए थे और उन्होंने वादा किया था कि मैं 2024 से पहले जो है कि 21 में इस पानी को लाकर किसानों को खेतों में सिंचित करने के लिए गिरा दूंगा, परंतु वो फिर जो है कि 2024 में 2 मार्च को औरंगाबाद गए और उन्होंने अपने वादों को याद नहीं किया। जैसे कि जुमलाबाजी तो वो करते ही रहते हैं। मैं वो देश में चाहते हैं कि मैं अपने आप को जैसे लाल बहादुर शास्त्री के जितना उनका सम्मान है इस देश में, जिन्होंने किसानों के हित के लिए अपनी फटी हुई धोती नहीं उतारी, वो चाहते हैं कि मेरा सम्मान इस देश में लाल बहादुर शास्त्री और बड़े बड़े जो देश के प्रधानमंत्री हो जिन्होंने किसानों का हित के लिए काम किया, वो चाहते हैं कि मेरा भी उसी प्रकार का जो है कि इस देश में स्थान हो जाए। परंतु महापंचायत में अपनी सवालों को लेकर हम आए हैं कि महापंचायत के जो अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने, उनको हमने अपना जो प्रस्ताव था उनको रखा और हमने आमंत्रण किया।